बात करेंगे रायसेन की, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिले में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना 2023 का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल पहनाकर सामग्री वितरित की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहक बहनों और भाइयों को साड़ी, जूते, पानी की कुप्पी और छाता प्रदान किया जा रहा है। सरकार के लिए जो हमारे लिए सोच रही है, नहीं तो अपन कोई भी सामान खरीदते बेचते एक बार में हो गया काम, मजदूरी करते, लेकिन सरकार ने देखा कि तेंदुपत्ता जब छुड़वाते हैं तब इस परिसर में देते हैं, पर सैकड़ा के हिसाब से देते हैं, और उसके बाद बेचने में जो पैसा बचता है उसका ये सामान आप ही लोगों को सरकार दे रही है। तो सरकार ठीक कर रही है कि नहीं बताओ आप लोग, अच्छा है कि नहीं? अगर ये दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं तो अच्छा है कि नहीं? छाते का पैसा दे रहे हैं ठीक है कि नहीं? जूते चप्पल अपन जंगलों में जाते हैं, अगर अपने तेंदुपत्ता से